गुड सी यू बहुत सालों बाद मुलाकात हुई यस गुड टू सी यार आई uh, गेस uh, दस साल से ज़्यादा हो गए ये हमारे ए वाई का एक रियलिटी शो था नचले ये उसका भी हिस्सा थी और वहाँ पर आपने जो डांस के या अपने जोहर दिखाए थे वो अब जाके हमने बड़े पर्दे पर आपके थ्रू देखे वही एक मोटिवेशन थी अब हाँ। मैं जब मैं यहाँ आई हूँ आफ्टर टेन इयर्स तो मेरे इमोशंस एक्टिवेट हो गए

अपने वक्त के साथ साथ अपने आप को एनहेंस किया काफी लोग आते हैं ना वो जो जिस जिस लुक में आते हैं बस उसी में ठहर जाते हैं आपने किया by the time. अब मेरे काम का ये हिस्सा है अगर मैंने फिर अपनी पढ़ाई कम्प्लीट की भी है ठीक और उसके बाद ग्रूमिंग का अगर आप कहें तो हाँ मैं अकेले लगी रही ग्रूम करने में ख़ुद को नो बडी मी बट दैट वॉज द पैशन ऑफ माइंड के हाँ अब मैं आ गई हूँ तो कुछ करना है बट इंसान को सबसे पहले अपनी खुद की कमज़ोरियाँ ख़त्म करनी होती हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए कहते हैं ना खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा तकदीर से पहले पूछे कि बता बंदे तेरी रज़ा क्या है येस, येस, येस। तो पहले आप Uh, किस तरह आपने कपड़े पहनने फॉर योर वर्क फॉर योर जॉब आपकी कैसी बॉडी होनी चाहिए आपकी क्या फील होनी चाहिए एंड यू हैव टू बी काम कामर क्योंकि आपके पाँव जमीन पे होने चाहिए <laughs> रियलिटी, कि, कि कभी हमें अपने पाँव जमीन से नहीं उठाने चाहिए क्योंकि जितने हम जमीन पे रहेंगे उतना ही अल्लाह हमें ऊपर उठाएगा अरे वाह क्या